राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता जाने के बाद से देश भर में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। आंदोलन की कड़ी को प्रदेश कांग्रेस ने आगे बढ़ाते हुए पोस्ट कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से 5 सवाल पूछे हैं। अडानी मामले को लेकर भी कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कार्यालय से पोस्ट कार्ड जारी करते हुए अडानी मामले में केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए हैं। संसद में ये सवाल उठाए हैं, सबसे देश की राजनीति से आप वाकिफ हैं, किस तरह की कार्रवाई बदले की भावना से हुई है, और हम लोग उसके बाद जब राहुल गांधी के केस पर फैसला होता है, उनकी सदस्यता छीन ली जाती है, तो उसके बाद हम सत्याग्रह यात्रा में निकले हैं। सत्याग्रह सभा जगह जगह करके हम इन बातों को ले जाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार सवाल कर रहे हैं, कल भी उन्होंने सवाल किया, और वो आप लोग आप पत्रकारों के माध्यम से है ना सरकार से बार बार सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी कब तक खामोश रहेंगे, आखिर जवाब क्यों नहीं देते हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी जी के सेल कंपनियों में आया वो किसका है। उसी तरह हम लोगों ने जो सवाल देश की जनता से जुड़ा हुआ है हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम विपक्ष के हैं, विपक्ष के दल हैं, हमारा नैतिक धर्म है कि हम सवाल पूछें सरकार से, और उस धर्म के नाते हम सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, और ये देश की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। हमने पोस्ट कार्ड के माध्यम से सवाल किया है, हम विश्वास करते हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दें, आखिर मीडिया से भी रूबरू नहीं होते हैं, सदन में भी जवाब नहीं देते हैं, तो आखिर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं। तो हमारा सीधा सा सवाल है, ये प्रयास है कि हम हर वो माध्यम अपना रहे हैं जिसके माध्यम से जनता के सवालों का जवाब मिल सके। देखिए, ये पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में से लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड भेज के इन प्रश्नों का जवाब मांग रही है, और झारखंड राज्य से भी कम से कम अभी तक लाखों पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी से इन प्रश्नों का जवाब के लिए चला गया है, और आज जा भी रहा है, और राज्य की 3.5 करोड़ जनता भी इस प्रश्नों का जवाब चाहती है। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी पोस्ट कार्ड के माध्यम से ये जवाब दे दे तो उचित रहेगा।